दिखाओ, ये देखो, ये देखो भाई साहब, मतलब जान देने का हर एक तरीका अजमा दिया गया है। अरे उसका घर और मत छोड़ना यार भाई साहब। अरे सब बैठो यार, प्यार से लड़ाई मत करो भाई। 8 बजे तुमने दारू खोली, 8 बजे दारू पिए हो, अभी फिर गांजा पिया अभी कुछ देर बाद। चरस इसमें कोकिंग कोई भी ऐसा नशा नहीं है जो मैं नहीं करता। पोजीशन बना के बिल्कुल है, देख सकते हो बड़ा स्ट्रगल किया जा रहा है। जैन दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। मेरा नाम है अजीत सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने देश की राजधानी न्यू दिल्ली में। आप सभी को ले जाऊंगा अपने देश के सबसे अनोखा राज यानी बिहार की राजधानी पटना में, क्योंकि जो आज अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने वाली है राजधानी एक्सप्रेस में। वो राजधानी नहीं, तेजस वाली नहीं, अपनी आम जनता की राजधानी ट्रेन नंबर 12394 यानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना हफ्ते के सातों दिन इस खूबसूरत से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से पटना के राजेंद्र नगर के बीच में चलती है। तो चलिए ना, चलते हैं आप सभी की इतनी फेवरेट ट्रेन जर्नी को कवर करने के लिए। ये आप सभी की केवल फेवरेट नहीं है, बाप की भाई की फेवरेट है, क्योंकि जब भी मैं अपने गांव जाया करता था इसी ट्रेन को प्रेफर करता था। तो चलिए जो लगी अपनी ट्रेन इस खूबसूरत से न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे। दोस्तों ट्रेन अपनी फाइनली आ चुकी है, देख सकते हो भाई अपनी लेजेंडरी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। और अभी से ही लोगो भाई सब चढ़ना कूदना चालू कर चुके हैं। भाई रुक जाने दो यार, वरना मर जाओगे, जा भी नहीं पाओगे। प्यारों से बात करना भाई ट्रेन की, तो इसका एक अलग ही मंजर, एक अलग ही तरीका, एक अलग ही खौफ होता है, क्योंकि लोग भाई साहब इस ट्रेन के लिए इतना पागल है ना कि सारी ट्रेनें छोड़ के केवल इसमें ही जाते हैं। और इसमें जर्नी कैसे करते हैं मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ये देखो भाई साहब, मतलब कुछ अलग ही चल रहा है, मतलब कुछ नहीं हो सकता यार ये। अरे उसका घर और मत छोड़ना यार भाई साहब, मना भी यार गजब है मेरा दोस्त। अरे उसका गर्दन मत तोड़, अरे यार आराम है। यही है संपूर्ण क्रांति यानी आम आदमी की भाई साहब राजस्थान, क्या हालत हो सकता है। बस अब ये देख लीजिए और समझ सकिए कि कैसी जर्नी होने वाली है। ये देखो, अरे भाई साहब, मतलब जान देने का हर एक तरीका आजमा लिया गया है। अरे यार, और भाई साहब इस ट्रेन की अगर बात करो ना, तो ये ट्रेन रोजाना हफ्ते के सातों दिन 16 नंबर से आप सभी को शाम को 5:30 बजे निकालती है। करीबन ये 5 बजे ट्रेन आई आज, और अगले ही दिन हम लोग होंगे राजेंद्र नगर टर्मिनल सुबह यानी 1001 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सुबह 7:20 पे यानी राजधानी से भी भाई साहब फास्ट चलती है। चलिए सामान रखते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। चलो भाई, चलो। चलिए जी भाई साहब, आखिर बैग रखने का सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे अपना बैग रखा है। सब सीटें घुसा मरते भाई साहब, कुछ नहीं हो सकता, गजब यार। अरे सब बैठो यार, प्यार से लड़ाई मत करो भाई, बैग रखने से सीट कोई ना हो जाएगा। चलिए जी भैया जी, निकल चुकी अपनी लेजेंडरी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। जरा हाथ गोड़ पीछे डाला भैया, वरना आगे निकल जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा हमें भी और आपको भी। और बात ऐसा है ना भाई साहब, इस ट्रेन की भीड़ में और जर्नी देख रहे हो कि आप सभी के लिए आज कितना मैं मेहनत करने वाला हूँ। अगर भीड़ देखे ना तो ये देख सकते हो ऐसा है कुछ भीड़, और आप सभी के लिए जर्नी कंडीशन में मैं ला रहा हूँ। तो भाई साहब, अगर आप सभी ने मेरे को पहली बार देखा है या इस शक्ल को या मेरे इस सब हैंडसम भाई को पहली बार देख रहे हो, तो भाई पता नहीं क्या करना है। इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाना है। और बात है ना कि भाई ऐसी जुड़िएगा तो ऐसी आप सभी के लिए हिम्मत भरी जर्नी कराते रहेगा, क्योंकि ऐसी लेजेंडरी ट्रेन की जर्नी हर किसी के बस की बात नहीं है कि आप सभी को इस जनरल क्लास में करा कर दिखा दो। चलिए हमारे साथ जर्नी को एंजॉय कीजिए, जो कि ट्रेन रुक चुकी है, अभी खुलते ही निकलेंगे एक दिल्ली से अपने नए सफर यानी पटना के लिए। नहीं नहीं, इसी में आप तो पैसा भी ले रहा है, आप चढ़ भी नहीं पा रहे हो। चलिए चलिए, मतलब भीग गए कम कमाल। बाय बाय दिल्ली, आशा करते हैं कि हम सभी भाई लोग इधर से भी होके जल्दी से जल्दी और सुंदर तरीके से घर पहुंच जाए। कहे थे कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने के कारण कुछ भी होने का चांस हमेशा बना रहता है।
पोजीशन बना के बिल्कुल है। हाँ भाई साहब, ऐसे अगर गोड़वा निकालिएगा तो गोड़वे तोड़ देंगे, बिहारो नहीं जा पाइएगा, रूल है समझ जाओ। और बात करें ना भाई साहब अगर इस ट्रेन की, तो ट्रेन में देखो चार तरीके की कोच और चार तरीके की किराया है। अगर हमारे तरह मतलब मर्जी के जाना चाहते हो अगर बिहार के पटना, और आप सभी को 295 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। और यही अगर सो के जाना चाहते हो ना तो 520 रुपए में करीबन सो के जा सकते हो। और अभी आपने एसी का मजे नहीं लिया चाहे लेना चाहते हो तो भाई साहब 1375 रुपए में एसी में जाइएगा थर्ड एसी, और थोड़ा अपग्रेड होइएगा 1940 रुपए वाला तो सेकंड एसी में जा सकते हो। और आपके पास हम लोगों की तरह नहीं अलग तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा है ना, तो भैया फर्स्ट एसी में जाके आप एक अलग ही सुख का अनुभव ले सकते हैं। बाकी हमारी ज़िंदगी में तो अभी ये धक्का खाना ही लिखा है। प्यार बढ़ाइएगा तो शायद आप सभी को फर्स्ट क्लास में जल्दी से लेके जाऊंगा। थोड़ा सा पी लिया है, नकर नकर कर रहा है। शांति से बैठो ना यार, हमको बाहर बैठने नहीं बैठने दिया जाएगा। जा अब साफ सीधे समझ लिया, नहीं बैठने देंगे। जा तो बैठने के लिए नहीं देंगे। अब जा आराम से बैठ जा, बकौती मत करो। जो बोल दिया ना पिए हो, अपने घर में रहो, शांति से रहो। घर तो बहुत दूर है, तो बहुत दूर है, तो बहुत दूर चल रहा है भाई। कहा समझ नहीं रहा, समझा कर यार। आप सभी को मैं चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहो, कोई दिक्कत ना हो। आपके जैसे सबके घर में भाई बहन होते हैं, समझे? क्यों नहीं है, इसीलिए आपको कह रहे हैं कि शांति, चलो पी लियो, कोई बात नहीं, सब पीते हैं, कौन नहीं पीता दुनिया में। सोच रहे कि आप सही से बस समझ जाओ अपने घर में, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं, लेकिन तुम्हारे घर वालों को वैल्यू है, इसीलिए आपकी इज्जत दिया जा रहा है। अगले को तो सोचो, दो तीन घंटे से खड़ा है। खड़ा काया का है तुम, नशे में, इसीलिए तुम्हें लग रहा है तीन घंटे से खड़ा हो। तीन घंटे से तो ट्रेन ही चल रही है अभी, और दो घंटे तुम बैठी गए, तीन घंटे खड़ा कब हो? 10 बज रहे हैं, 5 बजे ट्रेन खुल गई। हाँ तुम कब उठे हो? तुम तो 8 बजे तक दारू पी रहे थे। 8 बजे तुमने दारू खोली? 8 बजे दारू पिए हो? 6 बजे गांजा पिया? 9 बजे अभी फिर गांजा पिया, अभी कुछ देर बाद। चरस, इसमें कोई भी ऐसा नशा नहीं है जो मैं नहीं करता। वो तो मुझे पता है, करते हो तो इसका नशा करते अपने घर में करो ना यार। दूसरे को देखो, दूसरे से मतलब मत रखो साहब, मेरा यही का नाम है। अपना नशा करो, अपना घर में करो, हम लोगों से मतलब मत रखो। लालू लालू चाचा ये कहे है, मतलब जादो का नाम बर्बाद कर रहे हैं यार। जादो दूध लस्सी लस्सी पीता है, दारू नहीं पीता है। गांव पर रहेंगे तो उन्हें पिएगा, भैंसिया वहाँ लगता है, यहाँ नहीं। भैंसिया वहाँ लगता है, कानपुर सेंट्रल। तो चलिए दोस्तों, हम और हमारी ट्रेन इस नौटंकी भरा सफर से पहुंच चुके भाई कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और बात ऐसा है ना कि भाई साहब ऐसा ऐसा नौटंकी चढ़ा इस ट्रेन में कि कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मजा भी आया और दिमाग भी खराब। क्योंकि देखो ऐसे जर्नी का जब मजा आता है ना भाई, किरकिरा हो जाता है। वैसे बात करो इस कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की, स्टेशन कोड CNB, नंबर प्लेटफॉर्म 10, और यहाँ से 29 ट्रेन ओरिजिनेटर टर्मिनेट होती है। डेली 335 ट्रेनों का अच्छा खासा हॉल्ट है, यानी कह सकते हो कि अपने इंडिया का दूसरा सबसे बिजिएस्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन। और बात यह है ना भाई साहब, कानपुर में तो अपने टाइम से करीबन आधे घंटा लेट हो चुका। जी हाँ, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये संपूर्ण क्रांति भी आधे घंटे लेट होती, लेकिन हो चुकी है। और बात करें कानपुर की, तो भैया अपना लेदर इंडस्ट्री, जो भी परस चमड़ा का जो भी यूज करते हो, बैग, जो भी जूता उता, अधिक से अधिक यहाँ पे काम होता है। गुटखा की फैक्ट्री और गंगा नदी के किनारे बसा होने के कारण आप सभी को कम से कम 30 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। बगल में कोई ट्रेन आई है, विजिबल नहीं हो पा रहा है कौन सा ट्रेन है, नहीं है।
नाम बता पाऊँ। बाकी ओवरऑल जर्नी ठीक है, चलो चलो कुछ खाना पानी ले लेते हैं, खाना पानी का बिस्किट नमकीन लेंगे, क्योंकि रात को यहाँ पे खाना खरीदना यानी फेंकना ही पड़ेगा। भाई साहब इधर में एक ही दुकान और भीड़ इतना है कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ कुछ लेने के लिए। ऐसा लगा कि भंडारा हो रहा है यार, कुछ तो मिलेगा। पानी देना भैया, बताओ पैसा उसे लेने के बाद भी नहीं मिल पा रहा, देखो उनको उपाय लगाते हैं मिल जाए बस। चलिए जी भाई साहब निकल चुके हैं बड़ी मुश्किलों से कानपुर से। बात ऐसा है ना कि ना ही घुसने को मिल रहा है, ना ही आने का, ना ही जाने का, और भीड़ तो देख ही रहो यहाँ से भी लग रहा है शायद बढ़ चुका है। और बात यह है ना कि भाई साहब अगला आने वाला है मिर्ज़ापुर, काफ़ी लेट ही आएगा, मतलब 1:30-2 बजे के आसपास में, और मेरी हालत देख के समझ सकते हो कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं आपसे मिर्ज़ापुर मिलूँ, लेकिन शायद मैं आपसे दीनदयाल में ज़रूर मिलूँगा, पटना नहीं दीनदयाल में अधिक से अधिक चांस है कि मैं आपसे मिल ही जाऊँगा, क्योंकि वहाँ अच्छा खासा होल्ट होगा, आपसे बातें भी करूँगा कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ से तो खीरा ले चुका भाई साहब, लेकिन सांस फूल चुका है क्योंकि भाई इतना हेक्टिक जर्नी हो रहा है, कुछ कहा नहीं जा। चलिए जब तक ये देखिए काब जुगाड़ बनाते कहीं लेटने उठने का। हमने सुविधा बनाया है तो भाई कंफर्टेबल तो होगा ही, अब हम ही जानते हैं कितना कंफर्टेबल है नहीं है। बाकी ओवरऑल बात करें तो 2-4 घंटे तक इसमें बिता ही सकते हैं, बाकी सभी लोग को देख ही सकते हो भाई सब नीचे ऊँचे पड़े हुए हैं और हम भी ऊपर में जुगाड़ लगा लिए हैं। बाकी ये जुगाड़ आप भी लगा सकते हो, ये झोपड़िया जुगाड़ है भाई साहब कह सकते हो। बाकी ओवरऑल मिलते हैं शायद मिर्ज़ापुर में मिले, दीनदयाल में मिले, कहा है कि गेट खुला हुआ है। चलो 2 घंटे के लिए विश्राम जी। अभी मिर्ज़ापुर पहुँचे हैं, निकल गए मिर्ज़ापुर से, वो देखो मतलब इतना भीड़ है भाई साहब, कहीं भी रुक रहा है ना तो ना लोग उतर पा रहे हैं ना चढ़ पा रहे हैं, इसलिए दीनदयाल में अच्छे से मिलते हैं। बाकी अभी भी ऐसा ही हालत है, कुछ सुधार नहीं है भाई। तो चलिए दोस्तों गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे आप सभी को, कहा जाए सच में गुड मॉर्निंग हो चुका है, क्योंकि भाई साहब जो अपनी ट्रेन है ना करीबन 1.5 घंटे लेट हो चुकी है, आने का टाइम 3:30 बजे के आसपास, लेकिन अभी आई है 5 बजे। अब इसी से समझ सकते हो कि भाई संपूर्ण क्रांति का पता नहीं कौन सा क्रांति लग चुका है, ग्रह क्रांति लग चुका है, कितना लेट हो चुके हैं। अभी हम लोग DDU में, DDU की बात करते हैं स्टेशन को, DDU नंबर प्लेटफॉर्म 8, 9 ट्रेन और जीरो ट्रेन बैठे थे, डेली 283 ट्रेनों का अच्छा खासा होल्ट है। रेलवे के हिसाब से इस सेंट्रल रीजन का अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में आ चुके हैं, जो कि आप पहले मुगल सराय के नाम जानते थे ना। बात ऐसा है ना कि भाई साहब अंदर में भीड़ हंगामा इतना ज़्यादा है कि मैं तो थोड़ा बांधने के बाद रिलैक्स फील किया हूँ, लेकिन जो लोग भाई साहब नीचे खड़े हैं या बैठे हैं उनकी मतलब पूरा का पूरा हालत ही ख़राब हो चुका है। मैंने पूरा सोचा था कि हर एक कवर करूँगा आप सभी के, भाई साहब मिर्ज़ापुर से निकल के दिखाता है, लेकिन देख रहे थे भीड़ कितना ज़्यादा थे, 2 मिनट का होल्ट होने के कारण कहीं नहीं निकल पाया, लेकिन यहाँ निकल गया DDU में। अब पटना राजेंद्र नगर तक ले जाऊँगा, मतलब एंड टू एंड जर्नी, कोई भी हॉल्ट स्किप नहीं। भाई मिर्ज़ापुर भी स्किप कहाँ किया हूँ, उसमें तो जगह ही था ना। चलिए चलते हैं, बाकी अच्छा खासा 10 मिनट का हॉल्ट था, कुछ खाना पीना चाहो तो पी सकते हो, लेकिन इसमें ना खाने का मन कर रहा होगा ना पीने का, खाली घर निकल जाइए इस हालात के साथ। खाली यानी आप सभी समझ सकते हो कि हम सब पहुंच चुके हैं अपने बिहार की राजधानी पटना में। वही बात कर रहे हैं भाई साहब अपने टाइम से पूरे के पूरे, ज़्यादा तो नहीं लेकिन अभी भी फिलहाल करीबन में 1.5 घंटे लेट है। वैसे तो ओवरऑल 1.5 घंटे के आसपास में बहुत दूर तक लेट हो गई थी, लेकिन यहाँ आते आते अपनी संपूर्ण क्रांति अपना जो असर होता है वो दिखा चुके हैं भाई साहब। जो राजधानी थी वो पहले आ चुकी, पता नहीं चला कि राजधानी के पीछे पीछे चलने के कारण भी ये इतना पीछे कैसे रह गया। ओवरऑल बात कर रहे हैं जर्नी एक्सपीरियंस की तो बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पटना में ट्रेन खाली हो गया तो हम भी खाली हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम आप सभी को बोले थे कि एक भी स्टेशन नहीं छोड़ेंगे,
हर स्टेशन कवर करेंगे रात हो बिरात हो। तो भाई साहब कैसे ना राजेंद्र नगर टर्मिनल ले जाए। ओवरऑल ऐसे जर्नी की बात करना तो काफ़ी अच्छा कटा, लेकिन बस इतना ही समझिए कि आँख दर्द कर रहा है, तो सोच लीजिए कि कितना नींद अच्छा कटा होगा। बाकी निकलते हैं पटना से, और बात है कि आप अभी कभी पटना में नहीं आए हो ना, आइए पटना घूमिए। काहे से कि पटना सच में एक खूबसूरत जगह है, काहे से कि जब राजधानी है तो हर एक खूबसूरती मिलेगी आपको घूमने फिरने के लिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे बजरंग बली का दर्शन करके अगर स्टेशन पे आते हो ना तो थोड़ा भी टाइम मिले तो बजरंग बली का दर्शन करने जरूर जाइएगा। हम तो अभी जाएंगे राजेंद्र नगर, फिर पटना आएंगे, नहाएंगे धोएंगे, दर्शन करने जरूर जाएंगे। चलिए निकलती है, 10 मिनट में पूरी ट्रेन ही खाली हो चुकी है यार। कितने का ये? ज़्यादा नहीं, 32,000 का। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम और हमारी फाइनली अपनी लेजेंडरी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है भाई साहब। पटना नहीं, पटना तो आपने देख लिया, राजेंद्र नगर टर्मिनल। और बात है ऐसा ना कि इतनी स्ट्रगल वाली जर्नी, पूरे रात की जर्नी अलग ही थका दिया है। तो भाई साहब आप देख रहे हो कितना आपका भाई मेहनत कर रहा है कि कुछ सुधार हो सके इस जनरल क्लास का, इस ट्रेन का, कि भाई साहब जो भी आने वाले हैं अपने मजदूर भाई, जो भी आने वाले हैं जिनको मतलब जनरल क्लास में आना पड़ता है, कि कुछ खास खास सुविधा हो सके। वैसे बात करना ओवरऑल जर्नी की, तो भाई साहब बहुत ही अच्छी कटी मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो एक रेल फैन को यही चाहिए कि जर्नी अच्छे से कटे, सब सुरक्षित पहुंच जाए, और ये जो दारू पी रहे ही ना पिए। लेकिन क्या किया जा सकता भैया, कितने से लड़ने चाहिए, एगो है एगो जान है, मर और जाएंगे, झूठ मूठ का कोई फायदा है। आप सभी के लिए 25 दिन से लगातार ऐसी जर्नी कर रहा हूँ मैं। 25 तारीख को निकला था और आज 5 तारीख है, मैं घर जा रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि मेरा पेपर होने वाला है। बताइए इतना दिन लगातार आप सभी के लिए जर्नी किए जनरल में, तो भाई साहब आपको लग रहा है कि आपका भाई मेहनत कर रहा ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि आपका भाई कितना मेहनत कर। चलिए फिर मिले किसी नेक्स्ट जर्नी के साथ, किसी नेक्स्ट ट्रेन के साथ, किसी नेक्स्ट शहर में। जब तक के लिए जय हिंद, हाँ हमेशा मुस्कुराते रहिएगा हमारे साथ।